अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया में इन दिनों एक गिलहरी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो इसलिए भी अहम है क्योंकि गिलहरी एक बहुत छोटा सा जानवर है जो अक्सर इंसानों से काफी दूर भागते हुए नजर आता है और इंसानों के पकड़ से बचने के लिए दरख्तों पर चढ़ जाता है। लेकिन सोशल मीडिया के वायरल वीडियो में कुछ बच्चे जिनके हाथों में एक पानी की बोतल नजर आ रही है, गिलहरी पानी के प्यास में इन बच्चों के आसपास चक्कर लगाते हुए नजर आ रही है, जिसके बाद इन बच्चों ने उस गिलहरी को अपनी बोतल से पानी पिलाया। पानी पिलाने के फौरन बाद गिलहरी वहां से भाग गई। ऐसा बहुत कम होता है कि गिलहरी लोगों के इतने करीब आती हो। ये वीडियो बड़ी नसीहत वाली है। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, गर्मी की शिद्दत से इंसान तो इंसान जानवर भी परेशान होते हैं। ऐसे ही बहुत से जानवर इस गर्मी में पानी के प्यास की वजह से अपने बिलों और घरों से बाहर निकल आते हैं। इसी तरह इस्लाम में हर जानदार, चाहे वो इंसान हो या जानवर, की भूख और प्यास को मिटाने की बड़ी फजीलत है। इस्लाम ने हर जानदार पर रहम करने का हुक्म दिया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रहम करने वाले पर रहमान यानी अल्लाह भी रहम करता है, इसलिए तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला अल्लाह भी तुम पर रहम फरमाएगा। और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस में कहते हैं कि जो शख्स अल्लाह की मखलूक पर रहम नहीं करता, उस पर अल्लाह भी रहम नहीं करता। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीस से हमें नसीहत मिलती है कि हमें दुनिया के सारे इंसानों और जानवरों पर रहम करना चाहिए, सभी की भूख और प्यास को मिटाने की कोशिश करना चाहिए और किसी को जानबूझ कर तकलीफ देने से बचना चाहिए। और जो साहिब सरवत और मालो दौलत वाले हैं, इन पर ज़रूरी है कि लोगों पर रहम करें। लोगों को दरगुजर करना और ख़ासकर जब मामला लेन देन का हो तो उस मौके पर अच्छे अंदाज से पेश आना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो अल्लाह भी ऐसे शख्स पर रहम नहीं करेगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।